अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज ब्लॉगर चेंज है आप लोगों का, बुरा ना मानना। ये आ गए हमारे शौकीन भाई जान। लिट्टी भी बुरी नहीं है। किसकी? हमारी। तो ब्लॉगर चेंज हो गए, बुरा ना मानना। नहीं, उन लोगों को आदत किसी और को देखने की। ये दो ये भी है और वो भी आ रहे हैं जनाब साहब। आजकल हम व्यापारी आ गए हैं। हम हमारे बॉस। तो यार हमारी ना असल में जो फेवरेट मंडी थी ना वो थी पाइन एवेन्यू, लेकिन वो खत्म हो गई। अब लाहौर में बची हैं सिर्फ दो ही, शाहपुर कांजरा और सगिया की। हाँ, एक और है लेकिन वो बकर बता रहा है कि इब्तिसाम के वो इतनी खास नहीं है कोई। मेन तो मंडी ये है ना लाहौर। ओए सुभान, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी। आज हम शाहपुर कांजरा आए हैं, अभी हम लेने नहीं आए, हम सिर्फ चेक करने आए हैं कि रेट क्या चल रहे हैं। ये बताने हम लेने आए हैं। व्यापारियों को ये बताना है लेने आए हैं। और फार्म खालू भी आ गए हमारे साथ, देखते हैं यार ये जानवर बड़ा खूबसूरत है सामने। तो भाई हम जा रहे थे, सुभान भाई के लिए हमें बकरा मिला। हाँ जी भाई, होना राजी नहीं है। 10,000 25,000। आज जो हमने सोचा हुआ था ना, 0%, वो कहते हैं ना 1% तक चलो गया वो बंदा, 0% रहा है आज। बकरे वाले फिर मान रहे हैं, और हैरानी की बात ये भाई। पिछले वाला फिर सस्ता था। वैसे भी आगे वाले बड़ा ही जाने में पिछले वाले अच्छे लगने लगे। 170 का सही था, जो था 170 का दे रहा था। बंदा कैटल फार्म की तरह तो देखे भी ना, ये वाले हाल आते हैं आके। अब जितने के हाँ बिक रहे होते हैं यार। अब तुम जितने के बता रहे हैं, मतलब 6,00,000-7,00,000 अपने बंदा ना जाते हैं कैटल फार्म के अंदर, अच्छा जानवर लेकर आता है। ये फजूल जानवर बंदे ने लेके क्या करना है, मुझे खुद बताए। भाई की उम्मीद ही हट गई है, हड्डियों वाले जानवर के 6,00,000 मांग रहे हैं। मतलब चीज तो नहीं है, 2-4 यार। वो जो 6,00,000 मांगा था ना वो हड्डियों वाला नहीं था, वो सही था। किधर कौन सा? वो जो 6,50,000। अरे भाई जी जनाब, 1,20 चेक करें। जोड़ा केक एक पूरा जान जोड़ा ही, जोड़ा 2,40 है। आया चेक करे यार, बड़ा है ये तो है भाई। UFO डाला, UFO वैगनर गेम में थी ना। नहीं GTA San Andreas में होती थी, चीट कोड लगा के आती थी। ओए हेलो भाई, क्या हाल चाल? ठीक हो? सलाम अलैकुम भाई। भैया बहुत महंगे हो, हिसाब लगा लिया मैंने। कितना? ये चेक करो, ये मैं लगाऊं 7,00,000। आया कुछ नहीं, तो 4,50,000। ओ अंदर चाचू है क्या होना था? ये भी 4,50,000 ब्रो। मैं बोलूं एक बात, 2,00,000 है उत्तरी। हाँ वो मैं पीछे से देख रहा था इसको, बहुत बड़ा है। इसको संभालेगा कौन सा कसाई? इसको संभालेगा कौन यार? ये सामने ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ है। कौन जनाब? इसकी हाइट इतनी लंबी है और माशाल्लाह से सही वाला जानवर है। बंदा पूछे भी ना गलती से। कितने तक का होगा अंदाजा? देखिए साहब कितना ला रहा होगा? 5,00,000-6,00,000 से बैठा है ना वाइट में। अंकल ने 30-40 हो गया, सकी के अंकल 1,40 दे दे। कितना था? उन्होंने कहा था 3,40, सकी ने कहा 1,40। 140 नहीं बोल रही। हाँ जी जनाब, बन गई डील फिर। देखते रहो पूरे जगह में, देखते मिलते हैं। मैंने कहा जब मैं लूंगा ना आपके पास आऊंगा दिखाने। इसका 50,00,000-100,00,000 से नीचे नहीं आना। करोड़ से नीचे नहीं भाई, कितनी होगी प्राइस इसकी? यार इसकी आप क्या बात करे, 2.5 करोड़ से ऊपर गए। सुभान साहब उसी की अंदर ने यार, ये तो 5.5 करोड़ डिस्काउंट के साथ। 90% डिस्काउंट, 90 करोड़ फुल लगा हुआ ना। इसकी कीमत 2.5 लाख है।
लाख रुपए का फूल चेक किया तुमने? ये जो लस्सी है ये है 25 लाख की। इसमें पहली तो कितने की होगी? 50 लाख होगी, है 50 करोड़ की। भाई डोरा दी एक्सप्लोरर पापा की पड़ी। हम मंडी में आगे आगे सोचते हैं कि आगे रेट कम होगा, यहाँ पे तो आगे रेट बढ़ रहा है। अच्छा, जहाँ हजारों में बढ़े, यहाँ तो लाखों में बढ़ रहा है। जी यार, मूड खराब करने वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग। भाई मैं तो कहता हूँ चलते हैं यार, मेरा तो दिल भारी हो गया उसको सुन के। अच्छा यार, चलो यार, उस वाले का सेम टू सेम यही वाला बैठा, ठीक है? वो ये तो कह सकते हो कि ये ठीक है, इसी तरह था ना। हाँ। इस तरह के वेड़े की ये बंदा कितना मांग रहा था? ये 320 मांग रहा है, ये 3,25,000 मांग रहा है। 20,000 और कल रात को ये लोग गए हैं किसी मंडी गए थे। ओ नहीं, वो फार्म टाइप बनाई हुई थी जगह, वहां पर तो वहां पर उसका 1,25 मांग रहे थे। हाँ, तो फर्क चेक करे ना आप यार, 2 लाख का फर्क है। तो बड़े कितना जनाब? कितना? 5.5 5,500 बोल रहा होगा। इसे बचपन में ना इनके हीरे खा लिए थे। मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ो, इसको पकड़ते हैं। मैं क्या पता हमारे जब बर्गर छुआ रहे और कहते यही होंगे इनके टेंट के नीचे 6 लाख से कम कहने गएंगे। इसका पूछो व्हाइट जो बैठा है, व्हाइट और ग्रे क्या ठीक है? सही है, ठीक है। चल के पूछो तो सही रेट के। नहीं, उसके ऊपर दाने लिखे जो ये वाला है, इसका कितना मांग रहे हैं भाई? 170 इसका मांग है। इसके पीछे वाले की हाइट अच्छी है यार, उसको तो रहने दे। ऐसी यहाँ पे सड़क खराब हुई हुई है, पुल से रात से गुजर के जा रहे हैं हम लोग। यार क्या नाम है, पानी वगैरह डालते हैं ना कहीं का, वो वॉशरूम वगैरह भी होता है वो, देखो उसकी वजह से भी इतना ज़्यादा गंद होता है, उसकी वजह से रास्ता ख़राब है। माशाल्लाह है अच्छे। उसको ना, उसको छोड़ दो, उसका उसको यार, दिल फार्म के जानवर ना बिल्ला यार, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत जानवर है। इधर आओ देखिए, ये इतना खूबसूरत जानवर है ये। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये तुम देख रहे हो इनके सिंह को? तुम्हें पता लग गया? काट दिए? हाँ, और ये सुभान बहुत गलत तरीके से काटे गए हैं। ये काटा क्यों है? खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये तो खरदमजा लग रहा है। वो देखो वो बेचारे का, तुम्हें पता है इसलिए डर रहा है। तुम नोट करो जकी, तुमने देखा था जब हम उसके पास गए थे सबसे पहला वाला जिसके सिंह थे, हम उसको हाथ लगा रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहा। उसके में पान लगा इनको, वो देखो जरा सा हाथ करो, वो खौफनाक हो, डर रहा है बेचारा। जो खुद उसके इतना साइज है, उसने एक दफा करीब आना हमने भाग जाने। हाँ। हमने नहीं, तुमने भागना है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं, हमें नहीं खौफ इतना, भाई ने रेट भी लगाते ही लगता है। चलो भाई, आ जा भाई, कॉल चलिए, पैसे भी कट दिए होंगे, 20 रुपए ही निकाले। वो ये देखो, ये देखो, ये हो गया इसका भी, वही किया है वो, देखो सिंह का। बहुत खूबसूरत जानवर है यार, लेकिन इन जानवरों के इतने रेट हैं। कितना बोल रहे हैं? मेरी जान, वो काला वाला छोटा था इससे, ठीक है, कितने मांगे थे? 6.5 लाख। उसके 6 लाख तो बनते भी नहीं है, वो तो मैं कैटल फार्म वाले से सस्ता है यार। वो जो उस दिन 22, वो जो हमने देखा था ना पीछे 22 लाख वाला, हमने उस पर राजी हो गए थे। चलो भाई, रेट भी है गया ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा। हाँ, वो बहुत बड़ा था। हाय, ओए ओ मैगी की बात कर रहा हूँ मैं तो फिर। अब हम गाय की बात करने आए हैं, देखने आए हैं कि क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे है बहुत बड़े बड़े जानवर यहाँ के। भाई इधर बैठो का कुछ दो बकरों का, 1 का 60 मांग रहे थे। वो थे टेडी, वो बकरों का साइज ये वाला था, ये जो आ रहे इस तरह के।
भाई वो इनका मूड नहीं आज भेजने का किसी का भी मास्टर जी बात कर रहे हैं। आज सुबह घंटा किसी का मूड नहीं है बेचने सारे व्यापारियों को नींद आई भी आज ये कोई भी नहीं बकरे देखो कितने तो छतरे के 55 मांग रहा था ना भाई 45 वो 45 होता है 55 बोला उसने 55 55 होता है 55 तो 55 वही होता है पंजाबी में हो जाता पंजाबी में फर्क होता है ब्रो कितना होता क्या है 55 55 अच्छा माशाल्लाह 55 नहीं होगा ये तो पिछले ही दफा की तरह ही है ये पिछले दफा लिया था नहीं वो थोड़ा सही है हां बेटे ये तो मीम वाला सीन हो रहा है मारने आ रहा है नहीं चुका चला गया तो ये हम छतरों की तरफ आए हैं मजा ही क्या गरीब ये बड़ा प्यारा है यार माशाल्लाह से पिंक कहाँ है उसके हाइट कितनी है वो खड़ा ऊंचा है उस वजह से लग रही है दादा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई किस तरफ जा रहे हाँ यार एसके बेटो जो सोच के आए थे हम लोग प्राइस उसके मुताबिक ज्यादा है काफी है ना भाई ये अभी अभी उतरे हैं हाँ वो भी इत्साम से ही कह रहे हैं अभी भी उतरे हैं ये तभी इनका है क्योंकि अभी भी हम जब आ रहे थे तो पीछे वो बकरी चुना बैं दूध निकल भैंस का हाँ कट्टे महंगे होते हैं सस्ते होते हैं यार पता नहीं कट्टों का मुझे अली भाई पीछे ओह माशाल्लाह भाई टोरनेडो बकरा वहां से चलते हैं अंदर आ जाए वहां से चलते हैं ब्रो चलते हैं कितने का होगा 4 लाख नहीं ये भी एक खड़ा है बड़ा खूबसूरत है डेर तुम लागे, तुम जाके हाथ लगाओ जाओ नहीं माशाल्लाह जरा ये चेक करे ये ये है 22 लाख का बेड़ा 22 लाख रुपए का और मैं कहूंगा कि डिजर्विंग प्राइस है माशाल्लाह से बहुत बड़ा जानवर है बहुत बड़ा कि बाकी भी बहुत बड़े हैं वो खड़े हुए बलेटे में बल्कि तीनों चार हैं बल्कि तो यार अब हम जा रहे हैं कैटल फार्म की तरफ उस तरफ है वहां पे जानवर खड़ा हुआ वाइट में बहुत खूबसूरत यार हम तीनों आपस में वही बात कर रहे थे वो वाइट वाला जो है वो खुद बुला रहा है अपनी तरफ के भाई तुसी मंडी वेखन आया सामने से वेखिया ही नहीं तुसी चलो उस तरफ देखते हैं फिर देखते हैं किस तरह का जानवर है वहाँ पे हाँ तो फिर यहाँ पर फार्म खोलू एक नजर आया मैडम देखते हैं हम लोग अब कैटल फार्म की तरफ जा रहे हैं बड़ा नजर आ रहा है वाइट में देखते हैं कैसा ये छतरा होता है तो भाई हम आए रिजवान कैटल फार्म है और इनके जानवर नीचे वाला चेक नहीं है मुझे इसकी उस साइड पे नजर नहीं आ रहा आप वो वाला देख वो एक को हाथ लगाओ बहुत ये देखे अल्लाह अकबर शर्म माशाल्लाह से शार ये वाला ज्यादा बड़ा ज्यादा कि नहीं साजी 3.5 लाख रुपी है 3.5 लाख ज्यादा 2.5 लाख रुपी है 2.5 लाख ठीक है यार ज्यादा ही रेट है मुझे लगा कि यार चलो 2 लाख तो होगा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है
क्या पता है इस वाले वेड़े में खास चीज है ये वाइब्रेशन वाला है। देखो ये देखो वो पूंछ भी मारता यार, इसके बड़ा गंदा रिएक्शन है। उठ गया, उठ गया, उठ गया। कितने का है? तो यार ये वाला मासूम बहुत है माशाल्लाह से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत खूबसूरत जानवर है यार। सारे जानवर नहीं है तंग तुम्हारे से ज्यादा बुरा टूट, मैं मारूंगा तुम्हें। तो भाई हम लोगों का कुछ बना नहीं बिल्कुल भी, किसी और का भी मूड नहीं था और जो हम मूड बना के आए थे वो मूड ही नहीं था बिल्कुल भी। ये वाला माशाल्लाह से बहुत ही जाइंट, ये वही 22 वाला माशाल्लाह से। ये मैं तो ये है रानू भाई, इसको कौन से कसाई संभालेंगे? कसाई भी इतने जितने इसके जितने हैं। वाले वो कौन खिलाते क्या जो इतने बड़े बड़े हो गए? सुभान, इससे जो वो था काला वाला हाँ। अंदर की तरफ देखा था वो तो माशाल्लाह से और ही चीज था। सारे क्यों नहीं इस तरह के होते? उसमें नस्ल में भी फर्क होता है और जिन लोगों ने जिन लोगों के उसपे देखभाल होती है उसके उनके उसमें भी फर्क होता है। बेसिकली ये है कि लड़कियों के लिए पिंक बकरा मिल गया। कौन लड़कियां हैं जो कहती है पिंक बकरे नहीं होते? सामने से तो इतना फूला फूला क्यों है इसके? आ जाओ। वो नहीं, इसकी नस्ल ऐसी है, नस्ल ही ऐसी होगी। तुम क्या कोशिश कर रहे थे करने की? जाने का कोशिश कर रहा था, बस जमीन ने साथ नहीं दिया। सुभान साहब को बकरा पसंद आया था एक, उसका हमने रेट भी राजी कर लिया था लेकिन भाई को पसंद नहीं आया इतना। हाँ सब बड़े वाले को इतने में ले बंदा? बड़े वाले को मैं अगर थोड़ा टाइम मिलता है मैं बड़े वाले को ले आता इतने पे। चलो भाई फिर बड़े वाले को उठा के दिखा दो, मैंने उठा लिया। अच्छा भाई को, भाई ने ना उससे पहले एक बकरा था 25,000 मांग रहा था उसके, वो बहुत ही छोटा बिल्कुल बच्चा जिसको कहते हैं ना, वो भाई ने उसको उठाया कहता है कि भाई इसका वजन 20 किलो नहीं होना मुश्किल से। तो आप 25,000 आप 25,000 कैसे मांग रहे हो? तो वहीं से ना एक बंदा गुजर रहा है उसके पास दो बकरे था, उसी का शायद था कोई, उसके पास दो बकरे, एक बड़े साइज का था एक थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा था बिल्कुल। तो बड़े वाले को कहता है कि उस्ताद एनु चुके विखाओ, भाई ने हाथ डाला उठा लिया। अच्छा भाई कसम से वो तुम्हें देख रहा, कहते तेरे उठा कैसे लिए? और 40 किलो वो जनाब साहब 75 मांग रहे थे उसका। जी जनाब जी, उधर खड़ा है वो भाई बैग के पीछे वाला, उसके साथ 7 लाख मांगे हैं, 6 लाख इधर तो फिर अच्छा मांगा है इस बंदे ने, फिर भी अच्छा मांगा था रेट। लेकिन भाई इस तरफ हो जाओ, लेकिन जो उस दिन का रेट था उसके मुताबिक भाई अंदर का तो रेट बहुत बुरा हाल है भाई। भाई नहीं बात एक तो उधर से लेना है लेकिन मेरा कि आप चलो यार आज जरा भी इतना सा भी नहीं कोई किसी का मूड था जानवर देने का, और जो बंदा मूड बना के आया होता है कि जानवर लेकर जाएंगे उनका मूड खराब कर दिया कि भाई तुझे कारते ही बहो इतने रहने दो। चलो फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। चलो फिर तब तक के लिए दे अपने भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।